Hello friends, today we are seeing our next topic related to last video, that is an enterprise architecture. Last is mein humne dekhe the different types of architecture, in the sense single tier, two tier, three tier and multi tier architecture. Same is architecture ke andar hum dekhenge hamara multi tier ka example, that is nothing but the enterprise architecture. Okay, let's start karte hain. Iske andar kya hai, same ek example hai hamara enterprise architecture ka, वही हम देखने वाले. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो जावा ईई प्लेटफॉर्म वॉज डिजाइन टू हेल्प डेवलपर टू क्रिएट लार्ज स्केल मल्टी टायर स्केलेबल रिलायबल सिक्योर नेटवर्क एप्लीकेशन. हमने क्यों करने वाले इंटरप्राइज आर्किटेक्चर एक एप्लीकेशन इंटरप्राइज के लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जो लार्ज स्केल की, लार्ज स्केल इन द सेंस क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे, नंबर्स ऑफ यूजर, लार्ज नंबर्स ऑफ यूजर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. देन मल्टी टायर, ओके, जस्ट लाइक लास्ट इसमें देखा था मल्टी टायर कि कौन कौन से मल्टी टायर इसके अंदर हम देख सकते हैं, कि जस्ट लाइक क्लाइंट, वेब टायर, बिजनेस टायर एंड डेटाबेस टायर, की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स हम इसके अंदर यूज करने वाले. तो सिमिलर मल्टीपल टायर का कंसेप्ट भी इसके अंदर आ जाए. देन स्केलेबल, स्केलेबल अकॉर्डिंग टू अस जो भी रिसोर्सेस हम यूज करने वाले उस रिसोर्सेस को स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं हम. देन रिलायबल, रिलायबल इन द सेंस कि 24/7 कि यूजर क्या कर सकते हैं इसके ऊपर रिलायबल कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है. सो दैट इज अ रिलायबल एक एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे एंड सिक्योर नेटवर्क एप्लीकेशन. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन हम क्या कंसीडर करने वाले कि सिक्योर फॉर्म में होना चाहिए. ओके, सिक्योर इन द सेंस क्या कि उस एप्लीकेशन को कोई थर्ड पर्सन क्रैक ना करे या जो भी सिनेरियो. ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सिक्योर प्रोटोकॉल यूज करेंगे एंड सिक्योर नेटवर्क एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करने वाले. डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी टायर एप्लीकेशन मॉडल कैन बी डिस्क्राइब इंटरप्राइज एप्लीकेशन इन दिस डिजाइन. की आर्किटेक्चर क्या कहते हैं, एक्सटेंड ऑफ एन मल्टी टायर आर्किटेक्चर. ओके, एक्सटेंड इन द सेंस जो मल्टी टायर के अंदर हमने कंसेप्ट देखा था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया यहाँ पे हमने एज एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन. ओके, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है कि लार्ज कॉरपोरेशन इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, एजेंसीज में यूज सकता है, गवर्नमेंट भी इसको यूज कर सकते हैं. देन इंडिविजुअल डेवलपर भी इस टायर को यूज कर सकते, इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकते, या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की जिनको अपने अकॉर्डिंगली उनका एप्लीकेशन डिजाइन करना होगा, सभी लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं. इन मल्टी टायर आर्किटेक्चर क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, अवेलेबल टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग अ कस्टम मेड प्लेटफॉर्म दैट कैन रन अक्रॉस अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क अक्रॉस मल्टीपल और अक्रॉस एंड इंटरप्राइजेस एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की, डिफरेंट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा मल्टी टायर आर्किटेक्चर है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, द एप्लीकेशन लॉजिक इज डिवाइडेड इन टू अ कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. ओके, टायर्स हम किस तरह से यहाँ पे डिजाइन करने वाले, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें वेब इन द सेंस जो हम डायग्राम के अंदर देखने वाले वही आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि जैसे कि हमें वेब पेज डिस्प्ले करना है उसके लिए अलग फंक्शन है, देन उसको हैंडल करना है उसके लिए अलग फंक्शन है, देन डेटाबेस के लिए अलग फंक्शन है, बिजनेस लॉजिक के लिए अलग फंक्शन है. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट कि हर एक फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे डिजाइन करने वाले. ओके, दैट इज नथिंग बट अ टायर. टायर का भी सिनेरियो सेम होता है, एंड लेयर्स भी बोल सकते हैं उसको, कि मल्टी टायर इन द सेंस डिफरेंट फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करने वाले. तो लेट्स डायग्राम की तरफ जाते हैं, तो डायग्राम तो थोड़ा सा समझ के लेते हैं कि क्या है हमारा मल्टी टायर आर्किटेक्चर. ओके, तो एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन है हमारा, उसका आर्किटेक्चर देखते हैं. तो एक सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे दिखाई देंगे हम. तो फर्स्ट वन बाय वन लेयर वाइज कि फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे क्लाइंट टायर. ओके, क्लाइंट टायर इज नथिंग बट रन ऑन अ क्लाइंट मशीन. ओके, इसके अंदर क्या हो सकता है कि नॉर्मल आपका वेब एप्लीकेशन या जावा एप्लीकेशन हो सकता है. ओके, हम जावा लैंग्वेज के अंदर है, सो जावा एप्लीकेशन हो सकता है,
या डायनेमिक एचटीएमएल पेज, जैसे वेब पेज हो सकता है बाय यूजिंग अ जावा। देन कहाँ पे वो रन होगा? ऑन अ क्लाइंट मशीन। देन सेकेंड टायर इज नथिंग बट वेब टायर, ओके, बाय यूजिंग एन जे एस पी, जे एफ, जे एस टी एल, सर्वलेट एंड जावा बीन्स। हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली जावा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करेंगे। सो रन कहाँ पे होगा? ऑन अ जावा ई सर्वर, के जो हमारे जावा सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होने वाला है। देन नेक्स्ट दैट इज एन बिजनेस टायर, के बिजनेस टायर इज नथिंग बट अ बिजनेस लॉजिक और एप्लीकेशन लॉजिक जो हम हमारे सर्वर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले, के बिजनेस टायर इन द सेंस बिजनेस लॉजिक जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले। एंड लास्ट दैट इज नॉट लीस्ट, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, इन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज नथिंग बट अ डेटाबेस सर्वर मैकेनिज्म, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा डेटाबेस होगा या जो सॉफ्टवेयर रन होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा हम स्टोर करेंगे, स्पेसिफिकली डेटाबेस सर्वर मशीन होने वाले, ओके। तो सिंपल है, फर्स्ट क्लाइंट टायर रन ऑन क्लाइंट मशीन दैट इज एन वेब एप्लीकेशन और वेब पेज, वेबसाइट। द सेकेंड इज एन वेब टायर, इन द सेंस जो हमारे इंटरमीडिएट होने वाले जैसे लाइक जे एस पी, जे एस एफ, सर्वलेट, जे एस टी एल एंड जावा बीन, रन ऑन जावा ई सर्वर। देन थर्ड इज एन बिजनेस टायर, ओके, बिजनेस टायर इन द सेंस जो हमारा बिजनेस लॉजिक और एप्लीकेशन लॉजिक होगा वो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन अ जावा सर्वर। देन लास्ट इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दिस नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर रन ऑन अ डेटाबेस, जो डेटाबेस के ऊपर हम डेटा स्टोर करेंगे या स्पेसिफिकली डेटाबेस के लिए हमने डिजाइन किया सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम होगा, दैट इज एन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। सिंपल कंसेप्ट है, फोर टायर इसके अंदर है, एक सिंपल हमारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, ओके। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन इफ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सिमिलर टाइप्स के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।